भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक भी माने जाते हैं, फिर भी वह मां काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हुए सबसे उदार रूप में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह। मां काली की प्रतिमा को तो आप सभी ने देखा होगा, जिसमें शिवजी मां के चरणों तले लेटे दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि मां काली भगवती दुर्गा मां की 10 महारूपों में से एक है। मां भगवती के इस भयंकर काली रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। मां काली का यह रूप इस कदर भयंकर है कि जिससे स्वयं काल को भी डर लगता है। मां के गुस्से पर काबू कर पाना कोई आसान काम नहीं। संसार की समस्त शक्तियां मिलकर भी उनके क्रोध पर काबू नहीं पा सकती। पर सवाल यह आता है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे भगवान शिव मां के पैरों के नीचे आ गए? आज इस पौराणिक कहानी का जिक्र हम आपके सामने करने जा रहे हैं। एक बार रक्तबीज नामक राक्षस व उसकी सेना ने इस सृष्टि में भयंकर उत्पात मचा रखा था। तब मां काली ने रुद्र काली का रूप धारण कर उस रक्तबीज नामक राक्षस और उसकी सेना का समूल विनाश कर दिया। पर उनका विनाश करने के उपरांत भी मां काली शांत नहीं हो पा रही थी। वह बहुत ज्यादा क्रोधित अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। महाशक्ति काली मां जहां जहां कदम रखती वहां विनाश होना निश्चित था, और ये क्रम इसी तरह चलता रहता तो क्रोध के अधीन मां काली द्वारा अनजाने में ही सारी सृष्टि का विनाश हो जाता। तब सभी ने मां काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव ने सभी के निवेदन को स्वीकारते हुए मां काली को रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, किंतु उन्होंने भी यह अनुभव किया कि वह भी महाशक्ति काली को रोकने में समर्थ नहीं थे। पर भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने के लिए भगवान शिव आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए मां काली के रास्ते में लेट गए। जहां भगवान शिव लेटे हुए थे, जब मां काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं, और उन्होंने गलती से भगवान शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति काली ने जहां जहां कदम रखा था वहां सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन महाकाली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है तो मां चौंक गई। उनके होंठ फड़कने लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उन्हें लगा कि उनसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। इसलिए फिर उनकी जीभ बाहर निकल आई और उनका गुस्सा शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। मां काली की ऐसी प्रतिमा तो आप सभी ने देखी ही होगी जिसमें उनकी जीभ बाहर निकली दिखाई पड़ती है, जो इस बात का प्रतीक है कि गुस्से और क्रोध में आकर कई बार हमसे कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जो व्यवहारिक तौर पर अनुचित होते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं और हमें शारीरिक और आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें, और क्रोधवश अगर आपसे कोई भूल हो जाए तो उसका पश्चाताप कर अपनी भूल को अवश्य सुधारें। व आपके क्रोध की वजह से किसी के मन को पीड़ा पहुंची हो तो होश में आने पर अपने द्वारा किए गए अनावश्यक क्रोध के लिए उससे अवश्य माफी मांग लें। वह पश्चाताप कर जान लें कि आपसे कुछ अनुचित कार्य हुआ है जिससे कि आप क्षमा योग्य बन जाते हैं।